अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड में तलाल डार, और आज इंडिया के लिए स्पोर्ट्स में बड़ा बिजी दिन रहने वाला है। इंडिया बैडमिंटन में थॉमस एंड ऊबर कप दोनों में ही इंडिया एक्शन में नजर आएगा। इंडिया की खवातीन भी, इंडिया के मर्द भी, मेंस और वुमेन्स टीम दोनों के आज मुकाबले होंगे। इंडिया उसके अलावा शूटिंग के अंदर इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियों का सिलसिला जारी है, आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इंडिया नेपाल का फुटबॉल मैच है आज। इसके अलावा इंडिया की जो वुमेन टीम है उसने क्रिकेट में आज खेलना है, तो बड़ा ही बिजी संडे रहने वाला है इंडियन का स्पोर्ट्स में। और इंडियन स्पोर्ट्स लवर्स ऑब्वियसली आज काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज इंडिया के जो लड़कियों की टीम है बैडमिंटन में ऊबर कप में, उनका स्पेन से थोड़ी देर में मैच शुरू होगा। और इंडिया को ये जीत जाना चाहिए, क्योंकि कैरोलिना मारिन भी नहीं है और साइना नेहवाल एक बड़े लंबे अरसे के बाद एक्शन में नजर आएंगी। इंडिया के जो मर्द हैं उनका थॉमस कप में नेदरलैंड्स के साथ मुकाबला है। इंडिया का फुटबॉल में जो सैफ चैंपियनशिप चल रही है उसमें नेपाल के साथ मैच होगा। और इसके साथ साथ इंडिया की जो वुमेन्स टीम है क्रिकेट में, उनका होस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने 40 मेडल जीत लिए ISSF जो वर्ल्ड जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा था उसके अंदर, और 16 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते। तो इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो यंग प्लेयर्स हैं, ये जो जूनियर प्लेयर्स हैं, ये आगे जाके इंडिया का नाम रोशन करेंगे, खास तौर पे मानु बकर और नाम्या कपूर का तो मैं भी फैन हो गया हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक्स होनी है उसमें भी कई मेडल जीतेंगे। उसके अलावा रेसलिंग की बात करें, वर्ल्ड चैंपियनशिप ओस्लो में जो चल रही थी वो तो वैसे तो आज खत्म होनी है, लेकिन उसमें इंडिया का सफर खत्म हो गया। आखिर में ग्रीको रोमन के मुकाबले थे, उसमें इंडियन रेसलर्स इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके, कोई भी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका। लेकिन इंडिया की दो खवातीन ने इसके अंदर, अंशु मलिक और सरिता मोर ने, इसमें मेडल जीते, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उन पर भी हम उम्मीद करते हैं कि वो पेरिस में जो 2024 की ओलंपिक्स होंगी 3 साल बाद, उसमें वो और बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे और इंडिया के लिए मेडल जीतेंगे। उसके अलावा अगर और कोई इवेंट चल रहा है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं मिस कर रहा हूँ, किसी स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हो तो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं उसके बारे में बात करूँ। और इसके अलावा हम जो है ना बाकी तमाम ही स्पोर्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियोज़, न्यूज़ और अपडेट्स इसी तरह आप तक पहुँचती रहें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।